अखिलेश, तुमसे मैंने बोला था यार कि ज्यादा मत लोड करो यार, इतना सारा तुमने लोडिंग कर दिया। आज रास्ते में देखो बहुत सारी पुलिस खड़ी हुई है, चेकिंग बहुत लंबा लगा हुआ है, पता नहीं आज क्या होगा। तुम भी जब भी तुम मेरे इस पे बैलगाड़ी पे लोडिंग करते हो, कुछ ना कुछ ज्यादा ही लोडिंग कर देते हो, इसीलिए मेरा चालान कट जाता है। आज तो ओवर लोडिंग कर रखे हो, ऊपर से पोलोथीन है इसमें, और पोलोथीन वैसे भी बैन हो रखा है, लेकिन तुम माने नहीं। आज देखो कितने सारे पुलिस खड़े हैं, मेरा तो आज पसीना छूट रहा है शरीर से। कुछ भी होगा वो तुम जानोगे अखिलेश, कुछ भी हो। अरे योगी जी, मैं क्यों जानूंगा, मुझे क्यों बता रहे हो? अरे मैं कोई छोड़ी जिम्मेदार हूं, तुम्हारी गाड़ी है, तुम ज्यादा लोड कर रखे हो, चालान तुम कटवाओ, मुझे क्या, मेरी क्या जिम्मेदारी है? अरे जब मैं तुम्हें कह रहा था कि 50 रुपए कम भाड़ा ले लो, तुमने कहा 50 मैं ज्यादा लूंगा, तुम जितना मर्जी उतना लोडिंग कर लो, तो मैंने लोडिंग कर लिया, उसमें क्या है? तुमने ही तो कहा था कि 50 रुपए ज्यादा दे दो, जितना मर्जी उतना लोडिंग करो, अब मैंने लोडिंग कर लिया, कटवाओ चालान अब तुम अपना। हमारा क्या, हम तो किराया जब देंगे, जब मेरा माल वहां तक पहुंचेगा गोदाम तक, तभी पैसा दूंगा, वैसे तो मैं 1 रुपए देने वाला हूं नहीं, कुछ भी हो जाए। अरे योगी जी, तुमने तो अपने गाड़ी में बहुत कम लोग, बहुत ही कम तुमने लोडिंग कर रखी आज। अरे इतना सारा लोडिंग तुमने करा कैसे? अरे तुम्हें नहीं पता है कि चेकिंग लगी हुई है, चालान तुम्हारा कटेगा कम से कम 5 करोड़ रुपए का, इतना तुमने लोडिंग कर रखा है, आज तुम्हारा चालान कटेगा। क्यों लालू जी, मैं सही कह रहा हूँ ना, चालान काटना तो बनता ही है, कई दिन से है जेब में कुछ खाली खाली जेब पड़ा हुआ है, कुछ जेब में तो आ नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं कुछ चालान सालान ही काटते हैं, योगी जी कभी सुधरेंगे नहीं। एक दिन अपने ये बनियाइन में लिखवा रखे थे हम कभी नहीं सुधरेंगे, तो लगता है ये वही काम कर रहे हैं। क्यों लालू जी, सही बात है कि गलत है? चालान कटना चाहिए इनका या नहीं कटना चाहिए? अरे बिल्कुल मोदी जी, तुम सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो, क्योंकि कई दिन से हमारे जेब में 1 टका भी नहीं है। भाई लोग वीडियो लाइक करो चैनल से। अरे अखिलेश, किस बात के लिए पंचायत में हमको बुलाया है, एक बात बताओ, इतनी सारी जो आपने जनता इकट्ठा कर रखी है, किस बात के लिए इकट्ठा किया है? आज तो मैंने सुबह सुबह न तो ब्रश किया न तो मंजन किया, पता चला कि तुम्हारे यहाँ पंचायत इकट्ठा होने वाली है, तो बताओ किस बात के लिए तुम पंचायत यहाँ पे करवा रहे हो? कोई अच्छी खबर है या बुरी खबर है, जल्दी बताओ। तो सभी पंचायत और जिम्मेदारों से अनुरोध है कि हमारी बात पूरी सुनी जाए, मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। योगी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो पंचायत आज इकट्ठा किया है, ये वैसे मैंने पंचायत इकट्ठा नहीं किया है, इस पंचायत के पीछे बहुत बड़ा कारण है। ये देखो हमारे पीछे जो मिट्टी का घर बना हुआ है, ये मिट्टी का घर आप देख रहे हो, आज मैं 80 साल से इसी मिट्टी के घर में रहता हूँ, और इधर केजरीवाल भी काफी परेशान हो रखे हैं, तो इसी बात के लिए मैंने पंचायत इकट्ठा किया है कि सरकार से हमारी मांग पूरी की जाए, हमको एक अच्छा सा बंगला बनवा के दिया जाए, इसीलिए मैंने पंचायत इकट्ठा किया है। आप बताओ, इसीलिए पंचायत जो आप लोग विचार करोगे, आप लोग जो फाइनल करोगे, उस बात में मैं सहमत होऊंगा। बस देखो, हमारे तरफ से सभी पंचायत गणों और सरपंचों को मैं कहना चाहता हूं कि ये जो अखिलेश और केजरीवाल की जो कहानी है कालूनी वाली, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दर्दनाक है, तो इनको कालोनी एक एक दिया जाए। योगी जी इस समय, योगी जी का राज चल रहा है, तो जिसके पास घर नहीं है बिल्कुल उनको घर मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी कहानी बहुत तगड़ी है, ये 80 साल से इस मिट्टी के घर में रह रहे हैं, तो इसलिए इनको घर जरूर दिया जाए, हम तो यही कहना चाहेंगे। तो हमारा जो धर्म है सरपंच का, वो मैं निभा रहा हूँ। देखिए, हम आपको अखिलेश कहना चाहता हूँ कि आप 2 साल रुक जाइए, 2024 के बाद आपको एक कॉलोनी दिया जाएगा, आप पंचायत इकट्ठा करिए या ना इकट्ठा करिए, लेकिन आपको कॉलोनी दिया जाएगा। लेकिन अगर केजरीवाल की बात रही तो ये खुद बनवा सकते हैं। भाई लोग वीडियो लाइक करो। अरे मोदी जी, एक बात बताओ हमको कि हम लोग यहाँ पे इतनी देर से अकेले में धान उठा उठा के लेके आ रहा हूँ, तुम लोग धान निकाल रहे हो तो खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है? अरे तुमको ठेका दे करके मैंने गलती कर दिया, अरे तुम्हें ऐसा काम करना तो मुझे बता देते, ऐसा थोड़ी काम होता है। ये बताओ मोदी जी, तुम अगर काम तुम्हें नहीं करना है, अगर ठेकेदारी सही से नहीं निभा पाना है, तो ऐसा करो ठेकेदारी छोड़ दो, तुम दिहाड़ी करना शुरू कर दो। ठेकेदारी के साथ तुम्हारे साथ देखो अखिलेश भी काम नहीं कर रहे, इधर देखो सब लोग काम नहीं कर रहे, ऐसे काम करोगे तो अमित शाह को मैं क्या जवाब दूंगा, बताओ।
लालू जी एक बात बताएं तुमका, ध्यान करके और कान खोल कर सुन लेना, तुम्हारे में ताने सुन करके नहीं यहाँ पे आया हूँ। फालतू बोलोगे काम नहीं हो पाएगा। अगर प्यार की बातें करोगे, प्यार से बोलोगे तो हमारे मजदूर भी काम करेंगे। ऐसा लग रहा है कि तुम पैसा दे रहे हो कि मतलब सोना चांदी मुझको दे रहे हो। अरे मेरे मजदूर आराम आराम से काम करते हैं, ये ज़्यादा पैसे नहीं लेते, 250 देते हो, 250 रुपये का काम करेंगे। अब तुम सोच रहे हो कि 250 रुपये इनको मिलेगा और 1,00,000 रुपए का काम कर दे, ऐसा तो ये कर नहीं सकते। तो इसलिए ज्यादा भड़को मत, क्योंकि मैं अखिलेश देखो, अखिलेश ऐसा अच्छा काम कर रहा है, इधर केजरीवाल भी अच्छा काम कर रहा है, और तुम बोले जा रहे हो अरे ना लगवाओ काम, हम दूसरी जगह देख लेंगे, कोई बात नहीं। अरे क्यों अखिलेश, गलत कह रहा हूं क्या? कल से नहीं आना यहां पे बताओ। अरे मोदी चचा एकदम तुम सही कह रहे हो, एकदम सही बात है ये। अरे ये रोज रोज हम लोगों को ताना सुनाते हैं, हम लोग काम भी करते रहते हैं, ऐसा लगता है कि इनको फ्री में हमको पैसा दे रहे हैं। सारा दिन काम करके हम लोग मर जाते हैं, तब मिलता है 250 रुपये। अरे 100 रुपये लेकर क्या करेंगे कि बातें भी सुनो और काम भी करो। अरे अलग कहीं करेंगे तो 300 रुपये दिहाड़ी पूरी मिलेगी, लेकिन इनके यहाँ पे करो तो इतने पैसे में काम करवा रहे हैं। ऐसा करो हम लोग यहाँ पे काम करना कर देते हैं बंद, कल से चलेंगे दूसरी जगह मोदी जी, इनके यहां पे नहीं करेंगे। फिर इनको पता चलेगा कि क्या होता है मजदूरों की बात। लेकिन इनको ये ज्यादा ही बहुत भूल रहे हैं भाई लोग। वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।